प्रॉमिसिंग भी लग रहा है, ऑडियंस को उत्सुकता हो रही है गरुड़ के बारे में जानने के लिए। ये जो गरुड़ है उसके बारे में क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गरुड़ को देखोगे तो आपको, अगर आपने पोस्टर्स देखे होंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये बंदा क्या क्या कर सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से हम्बल है और अपनी माँ की बहुत ज़्यादा बातें सुनता है। अगर आपने फर्स्ट प्रोमो देखा होगा जहाँ पर मेरा लुक रिवील किया है, वहाँ पर माँ ने कहा गरुड़ तुझे मेरी सौगंध तो रुक जा, तो वो हवा में ही रुक गया और वो नाग माँ को उठा के लेकर भी चला गया। एंड वो कुछ नहीं किया गरुड़ ने, वो चाहता था उस नाग को वहीं का वहीं मार सकता था। सो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है माँ और बच्चे के बीच में, माँ और गरुड़ के बीच में। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और सब कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। विष्णु जी का वाहन भी है जो अपनों को पता है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि गरुड़ कैसा होगा, बिकॉज जब जब गरुड़ कहते हैं तो मुझे पक्षी याद आता है और मैंने रिसर्च की, मुझे कुछ नहीं मिला। बट अब आई होप मैं इतना जस्टिफाई करूँ उस कैरेक्टर को कि अगली बार अगर कोई गरुड़ सोचे तो उसे फैजल याद आए। आपको विंग्स को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? जो जिस तरह से विंग्स दिखा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, आपको कितना कैरी कर पाना मुश्किल है या फिर क्या बताएं? विंग्स की बहुत चर्चा चल रही है, जितना शायद हमारे शो की नहीं चल रही है। हमारे सेट पर बहुत सारे आसपास जो सेट है उनके आर्टिस्ट एक्टर्स जो है वो देखने के लिए आते हैं, विंग्स कैसा है कैसा है इसके बारे में बहुत सुना है। सो वो सब सुन के ना ऐसा लगता और पहनो, यू नो वो देखा है वो 30 बार खान में कैटरीना कहती है थोड़ा और मेकअप लगा के वैसे। और अगर आप देखोगे भी तो इसका लाइटर वर्जन बनाया हमने, बट मुझे ही वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। ये पहनने के बाद ऐसा लगता है हाँ मैं गरुड़ हूँ। सो ये सारी चीज़ें तब चली जाती है जब ये कैरेक्टर उभर कर आता है। ओके, आप भी कॉस्ट्यूम के बारे में भी बात कर रहे हैं, काफ़ी हैवी दिख रहा है, साथ ही साथ आपके विंग्स तो हैं ही हैवी, तो कितनी डिफिकल्टी हुई इस सब? सच कहूँ तो इस वक्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हल्का है। क्यों? क्योंकि जब लुक टेस्ट हो रहा था तब मुझे सिर्फ ये ज्वेलरी, एग्जैक्ट यही ज्वेलरी पहनाई गई थी। एंड आई वॉज लाइक रात को मैं जाके ऐसे हो गया था, सेकंड डे मसूस को बुलाना पड़ा, थेरेपी करनी पड़ी सब कुछ, और मैंने कहा कि आई वोंट बी एबल टू वेयर दिस। उन्होंने बोला बेटा रुको, और है 7 किलो की ज्वेलरी है इन टोटल, इसके साथ उन्होंने 14 किलो के पंख डाले। एक महीना शूट कराया, आज फर्स्ट टाइम मैंने विदाउट पंख मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग लाइटर, जलता है मजनू। अब मुझे बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं 15 घंटे भी पहन के खड़ा रह सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं। सो ज्वेलरी हैवी है, पंख हैवी है, बट एट दी एंड वो कैरेक्टर को कैरेक्टर दिखा रहे हैं, गरुड़ को गरुड़ दिखा रहे हैं। विदाउट विंग्स आई डोंट थिंक कि मैं गरुड़ लग रहा हूँ कहीं से इस वक्त। आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से माँ और बेटे का आप एक जो वो रिश्ता होता है, आप जो ये रियलिटी शूट कर चुके हैं उसमें भी गीता माँ और आपके साथ जो रिश्ता था वो दिखाया गया था, और इसमें भी माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो भी दिखाया जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मुझे लगता है कि मैं जगत बेटा बन चुका हूँ क्योंकि हर गली की माँ मुझे कहती है तेरा जैसा बेटा हूँ मैं, सोचता सब मुझे गोद रख लो। बट नहीं, आई थिंक जो ये कैरेक्टर है इससे मुझे ही नहीं, बाकी आजकल के जितने भी बच्चे हैं जो थोड़ा सा अजीब होते हैं हरकतों में, वो उनको शायद इंस्पिरेशन मिलेगी शायद, अगर आप लोग लेना चाहो तो। और रही बात मेरी, तो मुझे माँ का प्यार हमेशा मिला है और आई थिंक इस बार भी इस शो में भी माँ का प्यार ही है जो गरुड़ को शांत रखता है, बाकी कोई चीज़ नहीं उसे शांत रख सकती। थैंक यू सो मच। यस, ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट शो है जो पहली बार टीवी पे आ रहा है और अभी तक ये स्टोरी कभी भी नहीं आई गरुड़ के बारे में। जब मुझे क्या पता था गरुड़ के बारे में कि वो विष्णु जी के वाहन थे, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं था कि क्या थे, क्या एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी। तो जब मुझे ब्रीफ किया गया तो मुझे पता चला कि अरे मतलब एकदम डिफरेंट स्टोरी और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो घटा था, जो एक रियलिटी है। तो फिर उसके बाद जब मुझे मेरा कैरेक्टर सुनाया गया जो है तक्षक का, जो सबसे ज़्यादा जहरीला नाग था और जो जितनी पॉलिटिक्स जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सिर्फ उसने अपने दिमाग से करी हैं, मतलब हर किसी में प्रॉब्लम दिलवाना, तो बहुत बड़ा इविल है, बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि नेगेटिव कैरेक्टर है ये। और जब मुझे ऑफ़र आया तो मुझे पहले तो लगा कि रियली मतलब मैं कर लूँगा, तो फिर मुझे ऐसा हुआ नहीं, एज ए एक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट किए हैं और टचवुड सबने अप्रिशिएट किया है। अभी जिस तरह से मैंने सब सोनी सबका ही वारिस किया, ये जिद्दी दिल किया था, तो सबने उस कैरेक्टर को बहुत अप्रिशिएट किया, तो जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट या और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तक्षक का जो कैरेक्टर है वो सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे शेड्स हैं इसमें और जो शो है वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। मतलब शो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तक हमें ये चीज़ें पता क्यों नहीं थी। अगर बात करें तो
बात करें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही है और तैयार भी हैं इस कैरेक्टर को, जो निगेटिविटी मिलेगी उसके लिए भी आप तैयार हैं। जानना चाहूँगी इस कैरेक्टर को लेकर सबसे पहले, हाँ मतलब किस बात को लेकर आपने बोला? जैसे ही उन्होंने स्टोरी ब्रीफ दिया मुझे कि मैम ऐसे ऐसे करके है शो, पहले तो मैंने खुद ही जाना कि है क्या ये एग्जैक्टली, मुझे करना क्यों चाहिए। तो जैसे जैसे मैं उसकी स्टोरी सुनती गई, तुरंत विद इन 5 to 10 minutes आई वाज लाइक यस मुझे करना है। एंड जब प्रॉपर ब्रीफिंग हुई, डायरेक्टर वगैरह से मिले, तो डायरेक्टर सर ने सिर्फ इतना बोला कि पूरे शो में सिर्फ कदरू का कैरेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तब मेरा मुँह ऐसे था, हाँ मैंने कहा क्यों? बहुत शेड, वो जिसको बोलते हैं ना, वो एक मासूम सी दिखने वाली लड़की वो डेविल में कैसे कन्वर्ट होगी, वो भी अपनी बहन के साथ। तो कह रहे सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे कदरू पे करनी है, किसी पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब निकल जाएगा। कदरू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए मुझे मतलब वेरिएशन दिखाना है कि उसका गुस्सा भी नॉर्मल गुस्सा नहीं आता है, उसके गुस्से में भी अलग अलग गुस्से हैं। वो कैसे एक नॉर्मल एक छोटे से सीन को कहाँ तक लेकर जा सकती है, कैसे उसके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि पूरी पब्लिक पूरी जनता खड़ी हुई है, उसके बेटे खड़े हुए हैं, दुश्मन खड़े हुए, शत्रु खड़े हुए, उसकी एंट्री पे ऐसा क्या होना चाहिए कि सब शांत पड़ जाए। मेरे वॉक पे लेके, मेरी बॉडी लैंग्वेज पे लेके, मेरी आवाज़ से ले करके, कि मतलब उसका पावर इतना होना चाहिए कि उसका एक बार शब्द निकले तो हिल जाना चाहिए, एक शब्द कोई बोल ना पाए, उतना पावर होना चाहिए। उस चीज़ पे बहुत वर्क किया मैंने। मेरी आवाज़ टचवुड आवाज़ अच्छी है तो उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक सिंपल लविंग कैरेक्टर कर लेते हो तो बहुत, मेरी वैसे भी आई हैव टू वॉइसेस, एक बहुत सॉफ्ट है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं सॉफ्ट वॉइस यूज़ करती हूँ जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले, लेकिन ये एक ऐसा था जहाँ पर मुझे लगा नहीं बॉस बनता ही नहीं, हाँ तो अपनी फुल आवाज़ ही दिखानी पड़ेगी तभी वो पावर बढ़ेगा। तो यस, बहुत कुछ उससे मुझे प्रेरणा मिली, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, प्लस सेट पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंगद है, कालिया है, वो लोग क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ डिफरेंट मिलता है। प्लस मुझे सिर्फ इतना वो था कि मुझे सिर्फ अपनी आँखों से खेलना था, जब आँखें दिखें वो दिखना चाहिए कि बॉस ये रानी है, वो डेविल है उसके अंदर। टचवुड उतना सर वगैरह बोल देते, नहीं तू दिख रही है डेविल है, खतरनाक दिख रहा है, मैंने कहा बस वही चाहिए।